हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल AR111 में। और मैं हूँ अलीशा और आज मैं जा रही हूँ होप ऑन होप ऑफ बस में, जो कि पूरे सिटी का टूर कराती है, चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस सिटी की सारी हाइलाइट्स इस बस पे ऑलरेडी प्रिंटेड है। और ये एक बहुत फैंसी बस है, एक डबल डेकर फैंसी बस। इसका बस टिकट, टाइमिंग, शेड्यूल मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस बस का टिकट प्राइस 75 रुपीज पर हेड है और ये आपको चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल का एक राउंड ट्रिप देने वाली है। जैसे सुखना लेक से ये चलती है और उसके बाद रॉक गार्डन, सेक्टर 1 कैपिटल चौक, सेक्टर 17 प्लाजा, रॉक गार्डन, PU सेक्टर 14 पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट म्यूजियम, आर्ट गैलरी, सेक्टर 10, फिर वापस आपको ड्रॉप कर देगी सुखना लेक पे। तो ये राउंड ट्रिप है, पूरा 40 से 50 मिनट्स का है और इसमें आपको पूरा सिटी टूर मिलने वाला है। इसके चंडीगढ़ की सारी हाइलाइट्स दिखने वाली हैं। चलो बात करते हैं अब इस बस की टाइमिंग की। इस बस की टाइमिंग सुबह 10 बजे और एक शाम को 4 बजे है। इस बस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका टाइमिंग कभी कभी चेंज होता रहता है समर विंटर्स के अकॉर्डिंग, पर अभी तो विंटर्स हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। विंटर्स में तो ऊपर आप आराम से धूप के साथ मज़े कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। हाँ, अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको ग्रुप में भी अपने लिए पर्सनल भी बुक कर सकते हैं। उसका भी प्राइस एंड टाइमिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। और मंडे को स्पेशली ये क्लोज रहती है, तो प्लीज़ ध्यान से आइए। अगर आप सोचेंगे कि मंडे को आप आ रहे हो तो मंडे को तो ये क्लोज रहती है। तो इसका राउंड ट्रिप का टिकट प्राइस तो 75 रुपीज़ है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बात करते हैं इसकी बुकिंग्स का। तो अगर आप हाफ डे के लिए इसको बुक कर रहे हो, आप पूरे ग्रुप में आ रहे हो, आपका कॉलेज ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, कैसे भी आप आके अपना पर्सनल इंजॉय करना चाहते हो, तो इसका प्राइस रहेगा 5,900 रुपीज़ बुक करने का। और अगर आप फुल डे के लिए बुक कराना चाहते हो इसको और कभी भी अपने साथ अपने दोस्तों के साथ पूरा फन करना चाहते हो, तो उसका प्राइस है 11,800। तो आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मुझे डबल डेकर बस में बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत मैं इंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सब लोग इतने छोटे छोटे हैं और मैं इतना ऊपर से उनको सबको अच्छे व्यू से देख रही हूँ। मेरा तो ये लाइफ टाइम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं अब इनकी साइट पर आपको दिखा देती हूँ इनके टाइमिंग एंड जो भी इसका सब कितना क्या क्या स्टॉपेज है, क्या क्या स्टॉप है, तो आप देख ही सकते हैं। एंड यस, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये मंडे क्लोज्ड है, तो प्लीज़ देख के ध्यान से आए, मंडे को ये बस नहीं चलती है। और इसका जो पार्किंग एरिया है वो ये शिवालिक होटल शिवालिक व्यू पॉइंट में इसका पार्किंग है। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मैं हवा के साथ साथ और इन पेड़ों के बीच में इतनी ऊपर से, इतनी हाइट से इन सबको देख रही हूँ और इतना अच्छा व्यू आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक लाइफ टाइम वन टाइम एक्सपीरियंस तो सबको लेना चाहिए, और जो भी चंडीगढ़ लवर है और जो भी चंडीगढ़ में घूमना पसंद कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बर्थडे वगैरह पे भी आना चाहते हैं तो ये बर्थडेज़ के लिए भी बुक हो जाती है। तो ये सही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मज़े करते हैं और आप भी आइए और अपने पूरे ग्रुप के साथ आइए। हाँ दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो प्लीज़ पेड़ों से बच के रहिए, क्योंकि ये पेड़ बहुत हाइट पे है और ये बस भी काफ़ी हाइट पे है, तो ये आपको लग सकती है। ये मुझे हमें जब हम बस में चढ़ रहे थे, हमें ड्राइवर भैया ने पहले ही बता दिया था, तो मैं आपको भी इस बस में इसके लिए यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ध्यान से। और हाँ, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो आप शाम का टाइमिंग जो 4 बजे का उसमें आइए, तो आपको अच्छा अच्छा ठंडी ठंडी हवा लगेगी। और अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं, जैसे अभी विंटर्स चल रहा है, तो आप सुबह का टाइमिंग भी ले सकते हैं 10 बजे। इसमें आपको धूप के मज़े और फन मस्ती करने का टाइम मिलेगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो मेरी तरफ से ये बस हाईली रिकमेंडेड है। और हाँ, वन टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए तो ये बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है।
यस, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि ये बस जहाँ से स्टार्ट होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सुखना लेक, वहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। पर हाँ, जो इसकी पार्किंग है वो इसकी पार्किंग होटल शिवालिक व्यू पॉइंट से होती है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और ये बस बहुत पहले से चल रही है, मुझे थोड़ा पता लेट चला है, यहाँ पर इतने पास रहते हुए भी मैंने इसको एकदम सडनली देखा। और हाँ, अगर आप इसको इसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एट द एंड आपको सारा घुमा फिरा के मस्ती वस्ती करा के ये आपको फाइनली एक राउंड ट्रिप दे के सुखना लेक पे ही उतारने वाली है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है, बीच में भी आप कहीं भी उतर सकते हैं। अब वहाँ की टिकट भी ले सकते हैं, पर वहाँ पर बस आपको वहाँ पर एक स्टॉपेज है, वहाँ पर आपका ज़्यादा देर ये वेट नहीं करने वाली है। तो ये बस बर्ड पार्क के सामने मिली थी, आपको सुखना लेक से लेनी होगी और वहीं आपको ड्रॉप करेंगे। मुझे वहीं से ही राउंड ट्रिप मेरा शुरू हुआ था। तो आप मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर लाइक करना आप शायद भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे मुझे अच्छा लगता है, इसे हर क्रिएटर को अच्छा लगता है और उसे और मोटिवेशन मिलती है इसको, इन वीडियोज़ को और बनाने के लिए। हाँ, यही था और आप बड़ा ही इन्जॉय करेंगे इसमें, आप एक बार ज़रूर आएँ। और हाँ, अगर आप मेरी ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ AR111। ओके, बाय।